स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट है अपराध एवं अपराधियों की परिवर्तनशील प्रोफाइल का। लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसमें अपन चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ क्रिमिनल्स इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, यानी समकालीन भारत में अपराधियों का परिवर्तनशील सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत है कि कुछ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही व्यक्ति को अपराध करने के लिए विवश कर देती है। समकालीन भारत में अपराधियों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल में भी अनेक परिवर्तन आए हैं। भारत में अपराधियों के इस परिवर्तनशील प्रोफाइल को निम्नांकित, जो अब मैं नीचे यहाँ पे स्क्रीन पर दे रही हूँ, वो तथ्य देखेंगे। सबसे फर्स्ट वाला, अपराध की प्रारंभिक व्याख्याएं यह स्पष्ट करती है, जो मैंने फर्स्ट टू चैप्टर्स में बताया है, फर्स्ट टू पार्ट्स में बताया है, अपराधी जनजात होते हैं। आधुनिक युग में इस धारणा का खंडन हुआ है तथा आज विद्वान इस विचार पर एकमत है कि अपराधी व्यवहार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का प्रमाण है, परिणाम है, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक दृष्टि से पहले यह माना जाता है कि अपराधी अधिकतर निम्न वर्ग से संबंधित होते हैं। समकालीन भारत में यह धारणा भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि आज श्वेत वसन यानी वाइट कॉलर अपराधियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो इस बात का सूचक है कि अपराध करने में इनमें धनी एवं उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति भी शामिल होते हैं। समकालीन भारत में, नेक्स्ट पॉइंट में ले रही हूँ, समकालीन भारत में पेशेवर एवं संगठित अपराधी की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के अपराधों का प्रयोग साइबर अपराधों में भी किया जाने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट, समकालीन भारत में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल में आधुनिक युग की देन है, वह है अपराधी राजनेता एवं अपराधी पुलिस गठजोड़। यह गठजोड़ नहीं है तथा इसे तोड़ने के जितने प्रयास किए गए हैं वे विफल रहे हैं। बाल अपराधियों की प्रवृत्ति में भी निरंतर बदलाव नजर आ रहा है। अधिकांश बाल अपराधी पारिवारिक दृष्टि से नष्ट परिवारों के होते थे, जबकि आज बाल अपराधी ऊंचे पदों पर आसीन माता पिता वाले परिवारों से भी संबंध रखते हैं। सिक्स पॉइंट ले रहे अपन, लिंग की दृष्टि से भी अपराधियों के प्रोफाइल में परिवर्तन हुआ है।
समकालीन भारत में महिला अपराधियों की संख्या में निरंतर वृद्धि इस बात का सूचक है कि महिलाएं भी आपराधिक प्रवृत्ति की को अपनाती जा रही है, जिस वजह से उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। सेवेंथ पॉइंट, यौन अपराधियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि इस बात का सूचक है कि मनुष्य जो कि एक सामाजिक प्राणी है के सामाजिक और नैतिक मूल्यों का स्तर दिन प्रतिदिन घट रहा है। एट पॉइंट, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है तथा अपराध की प्रकृति एवं अपराधियों की प्रकृति में भी प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों में भी परिवर्तन सामने आ रही है। नाइन्थ पॉइंट, साइबर अपराधों जो आधुनिक युग में वैज्ञानिक क्रांति दी की देन है में भी निरंतर वृद्धि हो रही है तथा यह बच्चों के नज़रिया से समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। टेंथ पॉइंट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार लोक जीवन में एक गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न हुई है तथा समकालीन भारत में भ्रष्ट व्यक्तियों जिन अपराधियों की श्रेणी में रखा जा रहा है जाता है जाना चाहिए निरंतर वृद्धि हो रही है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ। भारत परंपरा से आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर समाज है यानी डेवलपिंग कंट्री है, जबकि बढ़ते हुए मनोरोगी तथा अपराध यह सिद्ध करते हैं कि आधुनिक वैभव भी व्यक्ति को सुखी और संपन्न बनाने में कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। इसी कारणवश मानव व्यवहार आतंक तनाव घुटन आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था का ढांचा अंदर से अत्यधिक खोखला हो रहा है तथा संबंधों के जाल छिन्न भिन्न हो रहा है, जो अपन देखेंगे कि माता पिता या भाई 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 बहन सबके बीच में संपत्ति के कारण भी अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर्स में देखा कि लड़ते कई बार एक दूसरे को मार भी डालते हैं। इसलिए वर्तमान युग में अपराधियों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल में भी अत्यधिक परिवर्तन आया है। वर्तमान में अपराधियों से जुड़े प्रारंभिक व्याख्याएं एवं धारणाएं आज पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है तथा वे अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं की व्याख्यान करने में समर्थ नहीं रही है। इसके साथ मैं आज की ये लेक्चर समाप्त करती हूँ।